अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी ऑडियो जो है एक हाई HD क्वालिटी में रिकॉर्ड हो तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं। तो ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी जो ऑडियो है वो कहीं से भी रिकॉर्ड कर लेनी है। मैं यहाँ पे ये ऑडेसिटी का इस्तेमाल करता हूँ, इससे कोई नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं करता, मैं बस सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और अभी मैं आपको अपनी नॉन एडिटेड जो ऑडियो है वो आप लोगों को सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसको एडिट करके सुनाऊंगा। तो एडिट किस तरह से करनी है, सबसे पहले आप लोगों को अपने आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आपने सर्च करना है एडोबी पॉडकास्ट, और यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे पहले ये आ जाएगा एडोबी पॉडकास्ट AI ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने इस पे जाना है। ये एक बीटा वर्जन है इसका और जल्द ये इंशाल्लाह आ जाएगा ओरिजिनल उसमें वर्जन में, बट ये अभी जो है हो सकता है अभी तो ये फ्री है बिल्कुल, बट आगे हो सकता है ये थोड़ा पेड वर्जन में आए। बट इस पे इन्वेस्टमेंट करना ख़राब नहीं होगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड करता है आप लोगों की। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप लोग सिंपली साइन इन पे जाएं और यहाँ पे साइन इन कर लें। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसलिए मेरा नहीं दे रहा साइन इन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग आओगे तो यहाँ पे नीचे करोगे तो AI पावर्ड ऑडियो लिखा होगा, यहाँ पे ट्राई इट आउट, तो इस पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक सैम्पल MP3 आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को डायरेक्ट यही दिखाऊंगा अपनी वाली, मैंने यहाँ से खोल लिया और नॉन एडिटेड ऑडियो जो है मेरी वो यहाँ पे हो रही है इम्पोर्ट। तो ये आपके ऑडियो के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सब पूरा इन्हेंस कर रहा होता है आपके ऑडियो को, आपका नॉइस कैंसिल करता है, रिमूव करता है, आपके जो ईको है उसको रिमूव करता है, बैलेंस करता है, इक्वलाइजर्स लगाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको इन्हेंस स्पीच को ऑफ करके मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ कि कैसी थी। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और इस वक्त, और ये जो नॉइस इसमें आ रहा है, तो एडिट करने के बाद फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नॉइज़ है इस वाली मेरी ऑडियो में, बट अब इन्हेंस स्पीच का ऑप्शन इसको ऑन करते हैं, अब सुनिएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और इस वक्त, और ये जो नॉइस इसमें आ रहा है, तो एडिट करने के बाद फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी ऑडियो क्वालिटी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से इसने इन्हेंस किया है, उसको एडिट किया है। अब यहाँ पर आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन पर जाएंगे तो और सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। ओके, मैं यहाँ पे IDM यूज़ करता हूँ डाउनलोड करने के लिए। अच्छा, अब अगर आप जो माइक यूज़ करते हैं उसका जो आप चेक करना चाहें कि किस तरह का आपका माइक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है गेट माइक चेक्ड, तो इस पे आप लोगों ने जाना है और ट्राई इट आउट पे करना है और चेक योर माइक फॉर फ्री यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे आप लोग करोगे टेस्ट माइक, तो अब जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो सब वो टेस्ट कर रहा है और मैं आप अभी यूज़ कर रहा हूँ बोया BY-M1 का लैव माइक, और थोड़ी बहुत इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी होती है थोड़ी बहुत, बट ये काफ़ी अच्छा माइक है एक बिगिनर के लिए। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ टेस्ट को, अब हम सुनते हैं कि अब हम देखते हैं किस तरह के इसने हमारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए, किस तरह का हमारा माइक है। तो ओके, डिस्टेंस टू माइक्रोफोन तो बिल्कुल सही रखा हुआ है मैंने, गेन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है आई थिंक, बट मैं उसको अपने एडिटर में सही से लेवल कर देता हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस लेस नॉइस है, ओके, और यहाँ पे जो इको है वो लेस इको, देख सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस इसमें बता रहे लेस नॉइस, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे एक इको का आ रहा है लेस इको, ओके। अच्छा, इसकी मैं एक टिप बता दूँ आप लोगों को, जितना ज़्यादा माइक आप करीब रखेंगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी कम लगेगी बोलने में, एनर्जी कम लगने की वजह से आपको जो ईको जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, मतलब अगर आप बहुत चीख चीख के बोलोगे दूर रख के माइक तो ईको ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, बट अगर आप आहिस्ता बोलोगे बिल्कुल करीब माइक रख के तो आपका ईको एक बैलेंस में आ जाएगा, मतलब एक बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो पहले मैं काफ़ी दूर रखता था माइक तो मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता था,
ओके तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक दफ़ा बिफोर एंड आफ्टर का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह की ऑडियो थी, तो देखिए। और अभी से अल्लाह हाफिज़, के बाद फ़ोटोशॉप की वीडियो इंशाल्लाह जल्द आने वाली है, उसी को भी देखिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और इस वक्त, और ये जो नॉइस इसमें आ रहा है, तो एडिट करने के बाद फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और इस वक्त, और ये जो नॉइस इसमें आ रहा है, तो एडिट करने के बाद फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं।